हेलो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में स्वागत। तो आज है 2024 का पहला दिन, मतलब नई साल। तो आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हो। तो आज ही नई साल है, आज ही मेरा पेपर भी है इंग्लिश का। तो भगवान से मांगने जा रहे हैं कि मेरा पेपर थोड़ा अच्छा हो जाए। भगवान, तुम जा रहे हैं जल चढ़ाने भोले बाबा से कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हो जाए। भगवान से मांगने जा रहे कि मेरा पेपर थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि भोले बाबा तुम ही अच्छा कर सकते हो। मेरा इंग्लिश का पेपर है, भोले बाबा अच्छा कर दे। हम जल चढ़ाने जा रहे हैं। मेरा पेपर सही जाए। तो मेरा पेपर आज सही जाए तो हम जल चढ़ा चुके हैं, अब जा रहे हैं सुप्रेंड अपने बाहर वाले भगवान से भी मिलने जा रहे हैं कि मेरा पेपर आज बहुत ही सही जाए। इंग्लिश का पेपर है। भगवान जी देखो, ये भगवान जी देवी माँ, मेरा पेपर आज सही जाए। देखिए फ्रेंड, भगवान जी मेरा पेपर आज बहुत ही अच्छा जाए, आप सभी लोग दुआ करना। सरस्वती माँ, आज मेरा पेपर है इंग्लिश का, बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही मतलब मैं आज अच्छा कर लूँगा। तुम्हें नया साल, मतलब साल में 3 बार पेपर होते हैं, तो 3 बार मेरे अच्छे जाएंगे इंग्लिश के पेपर। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर हो। तो आज नया साल है, मेरा पेपर भी है। ओह माय गॉड, मैं जा रहा हूँ पेपर देने, 9 बजे 9:30 बजे पेपर है, वो आओ ना दीदी। तो हम मिलाते हैं अपनी दीदी से, आप सभी लोगों को निधि हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू सेम टू यू प्रदीप भाई। 5 वालों, तुम जल्दी बाहर हो जाओ, आज मेरा पेपर है। तो आप कुछ दुआ दे दे दो। पूरी नकल मिला है। नकल नहीं, अकल। तो फ्रेंड, आज मेरा पेपर है, तो हम सभी लल्ला, आज मेरा पेपर है, तुम आओ तो आए ना लल्ला, हैप्पी न्यू ईयर। देखो सभी सभी हनाए चुके हो, हम हनाए चुके, लेकिन सब लोग चाची ने 5 हुआ है। क्या सुनने, अभी हनाया नहीं है इसीलिए हना रहे, तब उनके पैर छूंगा। अब बंद ना कर लिए। सो दोस्तों, मैंने इसकी कॉपी लाए हैं, अब मुझे कुछ याद भी करना है। देख लीजिए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर कैसे याद है। देखो दिखा रहा हूँ तुम्हें, कुछ मैं दिखा रहा हूँ। इतनी लाइट देखो, तो बाहर एक पेज को, एक पेज को एक जी हमें याद कर देखो, जई पर टिक लगो जो इतने भारी पूरे एक क्वेश्चन कैसे याद होंगे ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। ये तो भगवान ही संभालेगा आप मेरे पेपर को। मार्जिन इज 1 ईयर 11 ईयर्स ओल्ड, हर स्कूल हर स्कूल इज रिच, नॉट ए नॉट हर बेडरूम सी सिट ऑन बिफोर द मच द टीचर टीचर हर स्कूल टीचर हर स्कूल इन बिफोर हाउस द हेडमिस्ट्रेशन स्कूल going to market he very much school when the house wash before of the old time school from Tommy the, मतलब मुझे इसका मतलब थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब याद है पेपर, तो हम कर सकते हैं।